अभी बज रहे के 10:30 और हमारे सोसाइटी में बच्चे लोगों ने एकदम गिंगाना मचा दिया है, जिससे पूरे इंडिया में लॉकडाउन है सभी जगहों पर। हाय सलाम नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर मैं रात को 11:45 व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज तक मैंने कभी भी इतनी रात को व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, और इसके पीछे एक वजह है, बहुत 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 बड़ी वजह है। मैं जहाँ पर काम करता हूँ, जिस ऑफिस में काम करता हूँ, एक महीने पहले करीबन 15 मार्च के करीबन वहाँ पर हमारा जो ऑफिस है बिल्डिंग नंबर 3, तो उससे कुछ दूर बिल्डिंग नंबर 11 में एक पेशेंट मिला था कोविड-19 का। ठीक उसी के बाद से मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती थी, कभी ठीक रहती थी, बार बार बुखार आता था। इसके ऊपर मैंने व्लॉग भी बनाया था, डू आई हैव कोरोना वायरस, लेकिन कुछ टेस्ट वगैरह तो हुआ नहीं, कुछ पॉसिबल हुआ ही नहीं। और अभी फिर से मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बार बार मुझे बुखार आ रहा है 2 दिन से। अभी जस्ट मैं नीचे से खाना खा के आया हूँ, और पहली बार ऐसी किसी सिचुएशन में मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है, पूरा बदन दुख रहा है, गर्दन दुख रही है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, और ऊपर से ये सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। आईटी वाले से मेरी 2 बार बात हो गई, मेरी टीएल परेशान हो गई, मैं परेशान हो गया हूँ, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। अगर मेरे ऑफिस के यहाँ पर पास में वो लड़का अगर कोविड-19 नहीं मिलता ना, तो मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ होता। देखते हैं, अभी पैरासीटामोल लाया मैंने ऊपर, कहाँ रखा मैंने पैरासीटामोल। आई खाली गोली राहिली का खिड़की वर। अरे यार, अरे मैंने तो गोली लिया ही नहीं। बाळा कपाटातून गोळी आहे ना, गोळी बघ ना, कपाटात एक गोळी आहे निळ्या कलरची। मेरी प्यारी प्यारी भतीजा अपना मिशन पूरा कर रही है, गोली लेके दे रही है। उनको मिशन दिया मैंने कि गोली लेके आओ, दिस इज माय वे कि मैं उनसे काम निकालूं, नहीं तो लोग बदमाश लोग काम नहीं सुनते। जब मैं उनको मिशन देता हूँ, क्या सोल्जर आपका ये मिशन है, सोल्जर आपका वो मिशन है, तब जाके वो लोग मिशन बराबर करते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। सोल्जर अंजलि, सोल्जर खुशी, आप लेके आए गोली, लाओ बाबू। सोल्जर खुशी पैरासीटामोल लेके आता है। आखिरकार सारी चीज़ें शुरू कर दी, सब रेडी कर दिया है, सिर्फ काम शुरू करना बाकी है। लेकिन काम शुरू करने के पहले हम हमारा जो बेसिक मोटो है, तो अभी थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेके ये जो हमारा टकलू सोल्जर है, इसको थोड़ा बिछा देता हूँ मैं, ताकि ये सो सके आराम से। बच्चे को बिस्तर बिछा के दे दिया है, आई डू माई वर्क, और देखते अभी 3 बजे तक कितना काम होगा, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। और अभी तो सांस भी फूल गई मेरी। हम चाहे कितने भी बड़े या कितने भी बूढ़े हो जाए, हमारी तबीयत खराब होती है तब हमें मम्मी चाहिए होती है। जस्ट नाउ आई फिनिश्ड माई शिफ्ट, इट्स 3:15 इन द मॉर्निंग, नाइट अब जो भी बोलो। और ये बच्ची हमारी छोटी सी खुशी महाराज उठ गई है, इसको शायद मच्छर काट रहा है। कहाँ जानी, कहाँ जानी बाला, मच्छर ना है, चाचू ने सब मच्छर मार दिए बैट से। छोड़ो, नो नो नो, पानी पीना, पानी पीना, पानी दे, बस बस पानी आनते चाचू। आज ना जाने कितने दिनों बाद नहा धो के एकदम जल्दी फ्रेश हो गया मैं, जल्दी आने 2:15 फिर भी बहुत जल्दी हो गया, और मुझे एकदम अच्छा लग रहा है अभी, एकदम 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 बढ़िया लग रहा है। बुखार एकदम हल्का हल्का लग रहा है, अभी खाना ही खाऊंगा, नाश्ता वगैरह का टाइम नहीं है, तो खाना ही खाएंगे, फिर देखते आगे का क्या सीन है। आपको क्या खाना है? मेयोनीज, जैम और रोटी। पर ये खाना खाने का टाइम है, ये सब सुबह या शाम को खाने का? गरम गरम सब्जी, गरम गरम रोटी, गरम गरम चावल, गरम गरम दाल, एकदम कमाल धमाल बेमिसाल। आपको बहुत मजा आ रहा है जान चपाती खाने में? बहुत, कितना मजा आ रहा है। ओह, अभी खाना इतना मजेदार हो गया है, एकदम मस्त। अभी सवाल ये उठता है कि ये खाने के बाद काम होगा या नहीं होगा, लेट्स सी। इस लॉकडाउन में यही होना रह गया था, हमारे घर का नेल कटर नहीं मिल रहा और नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ गए, हद हो गए यार।
नेल कटर नहीं मिल रहा है, शेविंग करनी है, बाल बड़े हो गए, कैसी हेयर स्टाइल हो गई है मेरी, कुठे तरी ठेवला असेल ना, ते काड बरं तिथले सगळं सगळं धागा काढून बघ ना, यही है जहाँ पर नेल कटर होता है। नहीं है यार, कुठेच नहीं था। पहले इस बच्ची को नहलाया जाएगा, उसके बाद मैं नहाऊंगा। चलो खुशी महाराज, चलो आप नहाने के लिए रेडी हो जाओ। मैं तो ठंडे पानी से नहाता हूँ, लेकिन ये बच्चे लोग के लिए गर्म पानी लगता है। तो ये है ग्रीजर, यहाँ पर उसका बटन है, ग्रीजर शुरू किया, फिर यहाँ से गर्म पानी आएगा धीरे 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 धीरे, फिर इसको बंद करेंगे, और बंद करने के बाद भी 2 मिनट चालू रखना होता है इसे, कि पूरा गर्म पानी निकल जाए, वरना ये अंदर से जल जाएगा। अभी बज रहे हैं के 10:30 और हमारे सोसाइटी में बच्चे लोगों ने एकदम दीघाना मचा दिया है, जैसे पूरे इंडिया में लॉकडाउन है सभी जगहों पर, तो बच्चे लोग को भी कोई टाइम पास नहीं है, स्कूल वगैरह सब बंद है, तो लोग भी क्या करें, तो नीचे फुल एकदम दीघाना चल रहा है लोगों का, देख लो आप भी। अभी इस चीज़ में कुछ बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे लोग हैं वो लोग और क्या करेंगे, हम लोग जो बड़े लोग हैं वो लोग तो अपना मोबाइल यूट्यूब इसमें उसमें नेटफ्लिक्स इसमें उसमें टाइम पास कर लेते, लेकिन बच्चे लोग क्या करेंगे। तो अभी है भाई खाना बनाने का टाइम, मेरी मम्मी को भी आज ठीक नहीं लग रहा, तो आज रोटी में बना रहा हूँ। खुशी सोल्जर ये इस पर खड़ी हो गई है, ओके गुड, हाँ ठीक है, तो आप इधर खड़े रहो, चाचू इधर रोटी बनाएगा, और फिर हम रोटी वोटी खा के आराम से, और आज चाचू आपको स्टोरी सुनाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको कौवे की एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा, अगर आप लोगों को पता है कि वो मोटिवेशनल स्टोरी कौन सी है क्रो की, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पसंद आया हो तो लाइक करें, एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फॉलो नहीं करेगा, बाय बाय करें।